गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल वर्चुअस में। तो जैसे आपको मैंने प्रॉमिस किया था, आज आरबीआई ग्रेड बी फेज़ वन का कंप्लीट कवरेज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। जितने भी एग्ज़ाम एनालिसिस, क्वेश्चन आस्ट, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो भी हमें मिलेंगे आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब शिफ्ट वन का एनालिसिस ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, अभी कुछ मिनटों पहले ही शिफ्ट टू कंप्लीट हुई और शिफ्ट टू का डिटेल्ड एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले एक बार लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वांट की। क्वांट की बात कर लेते हैं, शिफ्ट वन के कंपैरिजन में, शिफ्ट जो वन थी उसके कंपैरिजन में क्वांट थोड़ी सी इजियर साइड पे बताएगी, थोड़ी सी इजियर साइड पे बताएगी शिफ्ट वन के कंपैरिजन में। ओवरऑल लेवल इजी टू मॉडरेट आप मान सकते हैं। अब क्या क्या बाइफर्केशन है जल्दी से देख लेते हैं। अप्रोक्सीमेशन के आपसे 5 सवाल पूछे गए, नंबर सीरीज फिर से पूछी गई, पर इस बार मिसिंग नहीं, इस बार रॉन्ग नंबर सीरीज पूछी गई है। मिसिंग नहीं, इस बार आपसे रॉन्ग नंबर सीरीज पूछी गई है। फिर डीआईज की बात करें तो एक आपका बार ग्राफ डीआई पूछा गया 5 मार्क्स का, और एक आपसे पूछा गया केसलेट डीआई। एक आपसे बार ग्राफ पूछा गया और एक केसलेट डीआई पूछा गया। अब केसलेट डीआई का एग्जैक्ट टॉपिक में हम आपको बता सकते हैं, तीन कॉलेजेस आपको गिवन थे, तीन कॉलेजेस में दो सेक्शंस बता रखे थे, एक तो डॉक्टर वाली स्ट्रीम थी, एक इंजीनियरिंग स्ट्रीम थी। अब इनमें भी फर्दर बाइफर्केशन था मेल और फीमेल का, मेल और फीमेल का बाइफर्केशन था। तो इस पे आपसे सवाल पूछा गया था, किस लिए दिया जो आप टेबल बना के सॉल्व करते हैं वो उस पे बेस्ड था। ठीक है, अब इसके अलावा आपसे अर्थमेटिक्स पे, अर्थमेटिक या मिसलेनियस से 8 क्वेश्चंस थे और डेटा सफिशिएंसी के भी 2 क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, तो ये आपका रहेगा बाइफर्केशन क्वांट का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का था। शिफ्ट वन के कंपैरिजन में थोड़ी सी इजी थी, ओवरऑल लेवल इजी टू मॉडरेट ही था। तो जो शिफ्ट वन में जो ट्रेंड चल रहा था वही कंटिन्यू हुआ शिफ्ट टू में भी, क्वांट थोड़ी इजियर साइड पे आई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, नेक्स्ट पोर्शन देखेंगे। हाँ जी, चलिए देखते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की, जो बहुत ही डिफिकल्ट आ रही है यूनैनिमसली। अब जैसे हमने शिफ्ट वन का एनालिसिस डाला था तो उस पर भी जो कमेंट्स आए, जो मुझे मैसेजेस मिले, सभी स्टूडेंट्स का मानना है कि सर रीजनिंग में जो रीजनिंग का पोर्शन है दोनों ही शिफ्ट्स में बहुत डिफिकल्ट। पहले में तो टफ था ही, सेकेंड में भी यही कंटिन्यू हुआ और जो रीजनिंग का लेवल था वो डिफिकल्ट लेवल था। तो ओवरऑल लेवल अगर हम बात करें तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट बात करेंगे, जिसमें मोर टुवर्ड्स डिफिकल्ट माना जाएगा। ठीक है, तो रीजनिंग के एक बार बाइफर्केशन की बात कर लेते हैं पूरा क्या क्या। आप सबसे पहले मिसलेनियस टॉपिक्स देख लेते हैं, फिर पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट देख लेंगे। ठीक है, तो आपसे सिलॉक्स पूछा गया, फिर से सिलॉग से अराउंड 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, जिसमें फ्यू टाइप वाले भी थे, सम नॉट टाइप वाले भी थे। ठीक है, 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इनपुट आउटपुट पूछा गया, मशीन इनपुट आउटपुट के आपसे यहाँ पर 5 क्वेश्चंस पूछे गए, और जो इनपुट आउटपुट का जो सवाल था वो नंबर बेस्ड था। जो नंबर बेस्ड आपका इनपुट आउटपुट का सवाल यहाँ पर पूछा गया था, आराम से इसको सॉल्व किया जा सकता था, डूएबल था ये। ठीक है, अब इसके बाद आपसे इनइक्वालिटीज इस बार नहीं पूछी गई। हाँ, अल्फ़ाबेट बेस्ड सिंगल क्वेश्चंस आपसे 2 ज़रूर पूछे गए। अल्फ़ाबेट बेस्ड जो सिंगल क्वेश्चंस आते हैं वो 2 सिंगल क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, जो आप कर सकते थे। ठीक है, अब इसके अलावा आपसे डायरेक्शन के भी सवाल पूछे गए। डायरेक्शन आपसे पूछी गई थी पजल फॉर्मेट में, डायरेक्शन पूछी गई थी पजल फॉर्मेट में, और बहुत ही कंफ्यूजिंग बताई जा रही है। 4 क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने बताया है और काफ़ी कंफ्यूजिंग स्लैश टफ बताया जा रहा है, डिफिकल्ट लेवल बताया जा रहा है ये डायरेक्शन पजल का। अब एग्जैक्टली क्या पूछा गया था ये तो हमें नहीं शेयर कर पाए थे, इतना याद नहीं था, पर ये ज़रूर बताया कि सॉल्व नहीं हो पा रही थी, लग रहा था हो जाएगी पर नहीं हो पा रही थी, काफ़ी कंफ्यूजिंग थी। तो ये तो आपके मिसलिनियस वाला पोर्शन हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं जल्दी से पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट, जिसका वेटेज अभी तक सबसे ज़्यादा रह रहा है। आपने खुद ने देखा है कि शिफ्ट वन में 5 सेट आपसे पजल सिटिंग अरेंजमेंट के पूछे गए थे, और वही ट्रेंड लगभग कहाँ पर फिर से रिपीट हुआ है, फिर से शिफ्ट टू में भी आपसे अराउंड 4 to 5 सेट ऑफ पजल्स पूछे गए। अब वो क्या क्या है अभी डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं।
अभी जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं क्या पूछा गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डे बेस्ड पजल की। आपसे एक डे बेस्ड या जिसे वीक बेस्ड बोलते हैं, वीक बेस्ड या डे बेस्ड पजल जिसे कहा जाता है, वो पूछी गई थी, जिसमें आपके पास 7 लोग दिए गए थे और अकॉर्डिंगली उनके 7 दिन दिए गए थे। इन 7 दिनों में इनका जन्मदिन आता है या बर्थडे आता है, इस प्रकार था। ठीक है, इससे 5 क्वेश्चंस वर आस्क फ्रॉम डे बेस्ड पजल। अब सेकंड टाइप क्या था? सेकंड था आपका लीनियर, लीनियर सिंगल रो पजल। लीनियर सिंगल रो पजल थी, लीनियर सिंगल रो पजल आपसे पूछी गई थी, और ये अनसर्टेन टाइप वाली पजल थी। मतलब आपको नंबर ऑफ पर्संस नहीं बताए गए थे और अनसर्टेन टाइप की पजल थी। ठीक है, अब इसके बाद अगला था आपके रैंडम वेरिएबल पजल। रैंडम वेरिएबल पजल था जिसमें थ्री वेरिएबल प्रॉब्लम थी, जिसमें आपके क्या दिया हुआ था, आपको दिया हुआ था 9 लोग दिए हुए थे, 9 पीपल, प्लस आपके पास उनको 9 कलर असाइन करना था, और ये 9 लोग 3 कंट्रीज को बिलोंग कर रहे थे। ये अलग अलग 3 कंट्रीज को बिलोंग कर रहे थे। इस पे बेस्ड आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो था आपका, वो था मंथ बेस्ड पजल। मंथ बेस्ड पजल था जिसमें कुछ पर्सन्स कितने थे, एग्जैक्टली 9 लोग थे या 8 लोग थे, जो अलग अलग कार परचेज करते हैं, अलग अलग टाइप की कार परचेज करते हैं, या तो 8 या 9 पर्सन्स थे जो अलग अलग कार अलग अलग महीनों में परचेज करते हैं। इस पे बेस्ड 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। तो 1 2 3 4 4 तो ये हो चुके। इसके अलावा आपसे और क्या पूछा गया था? हाँ जी, इतने हमें अभी तक मिले हैं, ये 4 स्टूडेंट ने कंफर्म किए हैं, तो अराउंड कितने हो गए, 20 शायद। एक और सेट है, वो एग्जैक्टली हमें पता नहीं है, तो आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। जैसे ही पता चलेगा मैं कमेंट करके, पोस्ट करके आपको बता दूंगा। बाकी आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये पजल या ये टाइप का सिटिंग अरेंजमेंट और पूछा गया था। अब ओवरऑल लेवल मैं बता देता हूँ, काफ़ी डिफिकल्ट था, काफ़ी मुश्किल था। सबसे जो डिफिकल्ट सेक्शन था वो रीजनिंग ही था। अब आपने रीजनिंग की भी बात कर ली, क्वांट की भी कर ली, इंग्लिश का आपको पता ही है, हम इंग्लिश का डिस्कशन नहीं करते हैं क्योंकि इंग्लिश की एक्सपर्टीज़ नहीं देते। पर जैसे कि हमारे स्टूडेंट ने हमें बताया, हमारे साथ स्टूडेंट्स ने जो शेयर किया कि मोर और लेस शिफ्ट 1 जैसा ही इंग्लिश था, मॉडरेट टू डिसेंट, मॉडरेट इजी टू मॉडरेट लेवल का था, और उसमें डिसेंट अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन से 30 में से 20 21 22 अटेम्प्ट आप किया जा सकता था। अब जनरल अवेयरनेस की जल्दी से बात कर लेते हैं। अब देखो, जनरल अवेयरनेस की बात हो रही है तो एक चीज़ फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, शिफ्ट 1 का एग्जाम एनालिसिस के साथ साथ शिफ्ट 1 में जनरल अवेयरनेस का लगभग पूरा का पूरा पेपर मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो अब इस वीडियो के एंड में उसका लिंक शो होगा, ज़रूर प्रेस करके पूरा का पूरा वहाँ पर आप देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम करंट अफेयर्स, सम फ्रॉम स्टैटिक एंड सम फ्रॉम बैंकिंग अवेयरनेस। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो करंट अफेयर्स से थे, तो बहुत बड़ा वेटेज, 60+ आप मानिए क्वेश्चंस क्या थे, करंट से ही पूछे गए थे। कुछ स्टैटिक से थे और कुछ आपके कहाँ से थे, बचे हुए बैंकिंग अवेयरनेस से पूछे गए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था करंट। अब करंट अफेयर्स भी ज़्यादा किसका पूछा जा, ज़्यादा पुराना नहीं पूछा जा रहा आपसे, सितंबर और अक्टूबर के करंट अफेयर्स से सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। सितंबर अक्टूबर के करंट अफेयर्स से सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो इसको अच्छे से तैयार करके जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और ये एक सीख रहेगी आपके आने वाले एग्जाम में। जैसे फॉर एग्जाम्पल IBPS PU मेंस का कुछ इस समय में एग्जाम है, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो IBPS मेंस के लिए, IBPS PU मेंस के लिए अपियर होंगे, तो उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छी सीख रहेगी। आप एक अच्छी चीज़ सीख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सितंबर अक्टूबर के करंट अफेयर्स को एक्स्ट्रा सॉन्ग करके जाना है, अच्छे से तैयार करके जाना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम सितंबर एंड अक्टूबर मंथ ओनली। ठीक है, अब ये जनरल अवेयरनेस की भी बात कर ली, ओवरऑल लेवल जनरल अवेयरनेस का भी आप मान सकते हैं डिसेंट था, ओके लेवल था। ठीक है, इसमें भी ठीक ठाक अटेम्प्ट कर सकते थे। तो जो सरप्राइजिंग, जो शॉकिंग, जो अलग ही लेवल पे डिफिकल्ट था वो रीजनिंग था, बाकी सब डिसेंट थे, इतना कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था, ज़्यादा आसान भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये हमारा एनालिसिस था शिफ्ट नंबर 2 का। अब आपको शो हो रहा होगा, अब आपको शिफ्ट 1 के जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे उसका लिंक शो हो रहा होगा, उसका थंबनेल शो हो रहा होगा, उस पर जल्दी से क्लिक कीजिए। क्लिक करके सारे के सारे सवाल आप देख सकते हैं, उससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। प्लस अगर शिफ्ट 1 का एनालिसिस आप देखना चाहते हैं, वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। तो आई होप आपने सेशन एन्जॉय किया हो। नाउ डेट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ ग्रेट डे।